हेलो दोस्तों, मैं निर्मला, आप सबकी दोस्त। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक यूनिक सा क्रोशिए का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही बनाना आसान है और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। बिगनर भी इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस डिज़ाइन में आप जितनी चाहे चेन्स ले सकते हैं। वैसे आपको इसमें टू के मल्टीपल में भी चेन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी जितना आपका प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आप चेन जो है ले सकते हैं। तो पहले हम इस तरह से सिंगल चेन बना लेंगे। जितना भी आपका लंबा प्रोजेक्ट हो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो है चेन बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बना करके चेन, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इतनी सी चेन बना ली है। और अब इसमें हम लोग दो राउंड जो है नॉर्मल हम बनाएंगे, जो हमारे बेसिक राउंड है वो हम लोग बनाएंगे इसमें फाउंडेशन रो। तो यहाँ पे हम तीन चेन छोड़ के चौथे वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये अपना पूरी चेन को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये सब पता होगा कि ये हमारी एक फाउंडेशन रो है जो हम दो बनाएंगे, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। ये तो सबको बनानी आती ही है। तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाती हूँ, दो फाउंडेशन रो। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हमने एक अपनी बेसिक रो जो है बना ली है। इस तरह से हमने सिंपल बेसिक रो दो बना लिए है हमने। और अब हम अपना राइट साइड में आ गए। तो राइट साइड में हमारा जो है डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर पे अभी एक चेन कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके एक एक होल में इस तरह से डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। अलग अलग होल में डालेंगे, एक साथ नहीं। यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद देखिए इस तरह से बल डालना है। और ये देखिए, यहाँ से आपने, ये देखिए, इस तरह से आपने नीचे से क्रोशिए को लेना है और इस तरह से उठाते हुए हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। दूसरी बार दूसरे वाले में, आगे वाले में हमने सिंपल एक डबल क्रोशिया बनाना है। आगे वाले में फिर से पैटर्न रिपीट होगा। इस तरह से हमने नीचे से उठाते हुए पैटर्न बनाना है। फिर आगे वाले में हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाले को इस तरह से उठा के डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाले में फिर से सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे फिर से हम देखिए इसी तरह से उठा करके बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। एक को हम उठाएंगे और एक में सिंपल डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक को इस तरह से नीचे से उठा करके बनाएंगे। एक में इस तरह से सिंपल बनाएंगे, एक को इस तरह से उठा करके बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपनी पूरा जो आप हमारा पैटर्न है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में हमने फिर से दो सिंपल डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बनाए हैं वैसे हमने यहाँ पर भी। आप भी इसी तरह से, अगर जैसे हमने कार्डिगन वगैरह बनाना है तो उसमें आप जैसे हम अपना बॉर्डर पट्टी रखते हैं अपने कार्डिगन की, तो उस तरह से आप यहाँ पर चार छः जितना भी आप चाहें स्टार्टिंग में रख सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर दो दो ही रखे हैं। अब यहाँ पर दो सिंपल डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हम सेकंड रो बनाएंगे, रॉन्ग साइड से एक चेन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर हमने सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है, नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमने सब में एक एक में डालते हुए डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी सेकंड रो है रॉन्ग साइड से। तो इसी तरह से हम डालते हुए एक एक में डबल क्रोशिया
बनाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही इजी सा पैटर्न है दोस्तों। इस तरह से रॉन्ग साइड से हम डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है थोड़ा सा दिख रहा है। मैं आपको एक रो और बना के दिखाऊंगी। फिर से हम यहाँ पर दो सिंपल डबल क्रोशिए बना लेंगे, एक चेन करके कॉर्नर पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे दो हम डबल क्रोशिए बना के। उसके बाद हम यहाँ पे तीसरे वाले को इस तरह से उठाते हुए बनाएंगे डबल क्रोशिए। फिर हम वैसे ही नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से अगले वाले पे नीचे से उठा करके बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने अपनी पूरी रो जो है ये कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से नीचे से उठाते हुए इजीली ये डिज़ाइन बन जाता है बहुत ही आराम से। लास्ट में हम फिर से दो सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। और बैक साइड में भी जैसे हमने पहले बनाया था ये वाली रो बनाई थी, वैसे हमने बैक साइड से फिर से एक सिंपल रो बना लेनी है। तो चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। एक चेन कर लेंगे और एक एक में बनाते हुए सिंपल डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न जो है बन के आएगा। ये हमारी राइट साइड है और रॉन्ग साइड से हमारा पैटर्न जो है इस तरह से दिखता है। वैसे दोनों तरफ से पैटर्न जो है अलग बनता है और बहुत ही खूबसूरत है। आप चाहे तो इसको भी सीधा बना सकते हैं, जैसा भी चाहे, लेकिन वैसे हमारा राइट साइड जो है ये है। तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन के आता है। जब आप इसको ज़्यादा बड़े लंबे प्रोजेक्ट पे बनाएंगे, बड़े फंदों पे बनाएंगे, ज़्यादा फंदों पे, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न दिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में इस तरह से दिखता है, और ये इसकी ये राइट साइड है। तो राइट साइड में ये इस तरह से पैटर्न जो है बन के आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन के आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आगे एक और नया डिज़ाइन लेके। तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।